नमस्कार माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेके एक नई रेसिपी, वो है रायता। लौकी रायता हम कितने इजी तरीके से घर में बना सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर गर्मी में रायता नहीं बनाया तो क्या बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो ये लौकी रायता बनाने के लिए मैंने एक आधी लौकी ली है और इसे अच्छी तरह से वॉश करके छील लिया है। अब हम इसे कस लेंगे। इस तरीके से हमें इसे कसना है। और फ्रेंड्स, ये देखिए लौकी मैंने अच्छे से घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट बॉईल कर लेंगे। तो चलिए पहले से बॉईल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसके ऊपर पतीली में डाल कर रख दिया है घिया जो मैंने कद्दूकस किया है, और इसमें 2 ग्लास पानी डाल दें। 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है, इसके बाद हम रायता बनाएंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है और हमारी लौकी भी अच्छी तरह से पक चुकी है, देखिए। तो अब हम इसे छान लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलिए इसे पहले छान लेते हैं। हम इसे छान लेंगे, गरम है तो ध्यान से हम चाय की छन्नी में डालेंगे इसको पहले, और इसको स्पून से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाए। ये देखिए, अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो आप बड़ी छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसका सारा पानी निकालना है, एक्स्ट्रा पानी, और एक प्लेट में डाल के रख देंगे और साथ ही साथ इसे थोड़ा सा ऐसे फैलाते जाएंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। इसी तरीके से हमें सारा छान लेना है। और फ्रेंड्स, मैंने सारी लौकी को अच्छे तरह से छान लिया और इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, और इसे ठंडा भी कर दिया। आप चाहे तो हाथ से भी निकाल सकते हैं इसका एक्स्ट्रा पानी। जब आप हम बॉईल करते हैं तो उसे पहले ठंडा होने दें, फिर उसके बाद आप हाथों में ऐसे लेके प्रेस कर करके इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी गर्म था तो मैंने इसे छन्नी में छान के अच्छे से प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, और मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लौकी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे मट्ठा और दही में मिक्स करेंगे। ये मैंने एक पैकेट मट्ठा लिया है जिसे हम छाछ कहते हैं, और एक कटोरी दही ली है, दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लौकी गर्मी का टाइम है तो रायता नॉर्मली सब लोग रोज़ खाते हैं, और लौकी भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें लौकी का रायता खाना चाहिए, सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो चलिए तड़का स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, तड़का पैन हमने गैस पर रख दिया। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होने देंगे, इसके बाद हम डालेंगे सरसों दाना। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, और फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने सरसों दाना डाल दिया है, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। साथ में हम डाल देंगे 2 से 3 लहसुन, मैंने अच्छी तरह से चॉप करके डाली है, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, लहसुन भी हमारी पक चुकी है, हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, और इसको भी भून लेंगे। और गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ, रख रखिए। इसके बाद हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, इसमें इसका बहुत अलग था, तो अब रायते में करते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम तड़का इसमें मिक्स कर देंगे। और अब मिक्स कर देंगे इस तरह से,
अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा पाउडर, इसमें वाइट सॉल्ट डलेगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा और तीखा खाते हैं तो। और फ्रेंड्स देखिए रायता हो चुका है हमारा रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए, और फ्रेंड्स लौकी रायता हो चुका है हमारा रेडी बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।